ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। इसके बाद पृथ्वी हमें शक्ति देगी, आकाश हमारी सहायता करेगा। 24 घंटों के बाद एक दिन और एक रात के बाद नागिन, वो इच्छाधारी नागिन हमारे कब्जे में होगी। आपकी मौत आपके बहुत करीब है काका साहब। हमारा भ्रांति रूप आपकी ये पूजा भंग करेगा। हमारी शक्ति आपको मजबूर कर देगी कि आप हमारे भ्रांति रूप को ही देखें और कुछ नहीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। चलावा है, भ्रम है हमारी आंखों का, या शायद कोई सपना। नहीं, ये अमृता नहीं हो सकती। आप वो नहीं है जो हमने आपको समझा था। हमारे लिए आपका प्यार भी एक खेल ही होगा। आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। देव, रुद्रा की आत्मा का तीसरा हिस्सा नागलोक में ही है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हमें रुद्रा की आत्मा के तीसरे भाग तक पहुंचने का मार्ग मिल गया है। सच नागदेव, हम उसकी आत्मा के तीसरे हिस्से तक कैसे पहुंचेंगे? नागरानी, आज अमावस्या का उत्सव है। आज नागलोक के सभी नागों को चमत्कारी दूध पिलाया जाएगा, परंतु नागलोक के सभी नागों में से एक नाग विश्वासघाती है, और उसी नाग को रुद्रा ने
अपनी आत्मा के तीसरे भाग की रक्षा के लिए छोड़ा है। लेकिन नागदेव, उस नाग को हम कैसे ढूंढेंगे? चमत्कारी दूध पीने के पश्चात सभी नाग सामान्य रहेंगे, परंतु उस विश्वासघाती नाग पर चमत्कारी दूध का प्रभाव होगा। उसका रंग लाल हो जाएगा, उसकी त्वचा चमकने लगेगी। एक बार वो हमारे सामने आ जाए, फिर हम उसे बातें कर देंगे कि वो हमें रुद्रा की आत्मा तक पहुंचाए। हाँ नागदेव, रुद्रा की आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढकर हम अमृता की बहुत मदद करेंगे। अब वो वक्त आ गया है जब एक इच्छाधारी नागिन अपने प्रतिशोध को पूरा करेगी। हमारी अमृता अपने दुश्मन रुद्रा को खत्म कर देगी। हमने अपने छद्म रूप की सहायता से रुद्र काकासा को एक जादुई मुद्रा में पहुंचा दिया है, और इसी वजह से ये पूजा भी रुक गई है। लेकिन इससे पहले कि रुद्र काकासा नींद से बाहर आ जाए और फिर से पूजा शुरू कर दे, नाग लोग जाकर रुद्र काकासा के आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढकर उसे नष्ट करना चाहिए। एक बार हमारा प्रतिशोध पूरा हो जाए, फिर हम अर्चन और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे। दादी साहब ही मूर्ति रूप में है, वो कभी ये नहीं जान पाएंगी कि ये सब कुछ हमने किया है। लेकिन अभी हमें नाग लोग जाना चाहिए। विजयी भव। प्रणाम माँ, जीती रहिए। माँ, रुद्र काकासा के आत्मा के तीसरे हिस्से के बारे में कुछ पता चला? नहीं अमृता, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये सब हम रुद्रा की आत्मा तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। क्षमा कीजिए, लेकिन ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? दुश्मनी फिक्र मत करो अमृता, सब ठीक हो जाएगा। अमावस्या के उत्सव की तैयारी करो। अब ये दूध चमत्कारी हो गया है। अमृता, रुद्रा ने नाग नागिनों से दुश्मनी लेकर सबसे बड़ी भूल की, और इसका मूल्य रुद्रा को अपना जीवन देकर चुकाना होगा। हम रुद्र काकासा को ऐसी मौत देंगे कि कोई भी इंसान नागों का बुरा करने के बारे में सोचकर भी कांप उठेगा।
यंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, शिव नाम सा कोई मंत्र नहीं, शिव नाम सा कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, शिव नाम सा कोई मंत्र नहीं, जो इस मंत्र का जाप करे उसे दुख छू भी ना पाए, ओम नमः शिवाय। संगीत का समय समाप्त हो गया, अब समय है चमत्कारी दूध पीने का, उस सोपान रस को पीने का जिसे हमने अपने हाथों से तैयार किया। लगता है उत्सव शुरू हो गया है, चलो चलो। नाथ की भी यही मर्जी है कि एक मां अपने बेटे को बचाए। परिवार का सुख और खुशियां दांव पे लगाकर यहाँ जश्न मना रही हूँ अमृता, कितनी घटिया हरकत की है आपने। आपके कारण ही हम मूर्ति रूप में फंसे थे, पर अब हम आजाद हैं। आपके रुद्रा तक पहुँचने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे और उन्हें ऐसी जगह छुपा देंगे जहाँ से आप तो क्या पूरा नागलोक भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। आपके प्रतिशोध के हर वार के सामने एक मां की ममता ढाल बनकर खड़ी होगी अमृता। चमत्कारी दूध पीने के पश्चात सभी नाग सामान्य रहेंगे, परंतु उस विश्वासघाती नाग पर चमत्कारी दूध का प्रभाव होगा। उसका रंग लाल हो जाएगा, उसकी त्वचा चमकने लगेगी। उन्हें सौंपना ही होगा।
दुश्मन की जान हमारी बुद्धि में है। ये क्या हो रहा है? हम चल क्यों नहीं पा रहे? सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में। यदि तुम किसी की मौत चाहते हो, तो उसे पता होना चाहिए। इस पत्थर में छुपी आत्मा तभी नष्ट होगी जब उस आत्मा का स्वामी सामने हो। उसे आत्मा रक्षा का हाथ है, उससे मुकाबला करके जीतना, तभी आत्मा नष्ट होगी। इसका मतलब हमें रुद्र काकासा की आत्मा के इस हिस्से को उनके सामने ही नष्ट करना होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है अमृता, क्योंकि रुद्र अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लेगा। मुश्किल ही है ना। नामुमकिन तो नहीं। और नामुमकिन होता तब भी हम इसे मुमकिन बना। हमारा दुश्मन मरेगा। अर्जुन, आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हैं? बताइए ना, क्या हुआ आपको? आपके रुद्र काका सा कहाँ है? अर्जुन बेटा, बताइए, आपके काका सा कहाँ है? वो अपने सिद्धि स्थल पे भी नहीं है। अर्जुन, बताइए हमें कि रुद्र काका सा कहाँ है? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है बेटा। अर्जुन बताइए हमें। अर्जुन, हमारे पास वक्त बहुत कम है बेटा, बताइए हमें, बताइए। की छुट्टी होगी बिग मैजिक के साथ। क्या हमारा बच्चा ठीक है? अच्छा हुआ,
हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हमारे परिवार के खुशियों को डांसने वाली अमृता है, अमृता है, वही हमारी दुश्मन, वही हमारी दुश्मन, वो एक इच्छाधारी नाकेधारी। हम जानते हैं, हम जानते हैं, वो हमारी जान लेना चाहती है मासा, बस उसी को कैद करने के लिए हमें पूजा कर रहे थे, लेकिन पूजा पूरी होने से पहले ही उसने छल से हमें बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया। हमें अपनी पूजा पूरी करनी होगी मासा, और पृथ्वी से शक्ति हासिल करनी होगी। उसके लिए हमें एक साथी की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद करेंगे मासा? हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये तुम्हारी मदद तब करेंगे, तुम्हारी मदद तब जब हम करने देंगे, जब हम करने देंगे। इतना आसान नहीं है नागरानी, हमारे बेटे की जिंदगी और आपकी बेटी के इरादे के बीच, इरादे के बीच हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। एक माँ के होते हुए, माँ के होते हुए उसके बेटे पे कोई आंच नहीं आ सकती, आंच नहीं आ सकती। ये लड़ाई एक इच्छाधारी नागिन और उसके दुश्मन के दुश्मनी, ये आपका दुर्भाग्य है, हमारा दुश्मन आपका बेटा है। हमारे बीच में मत आइए, क्योंकि आज दूसरे का वो मर रही होगा, वो मर रही होगा। एक माँ से कह रही हो कि वो खड़े खड़े अपने बेटे की मौत का तमाशा देखे, नागिन, एक बार हम आजाद हो गए नागिन, फिर तुम्हें तुम्हारी मौत से कोई नहीं बचा सकता। ये अरमान आपके दिल में ही रह जाएगा, क्योंकि बस कुछ ही पलों में आप खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। हमें अफसोस है, हमें अफसोस कि आप उस इंसान के कहा उस इंसान के कहा जो हमसे और जिससे हम बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। अगर आपने हमारे पिताजी को नहीं मारा होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। किस पूजा को भंग करने के लिए क्या क्या नहीं किया, के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना, किया जो हमें नहीं करना, लेकिन हमने वो सब कुछ किया क्योंकि हमें अपना प्रतिशोध पूरा करना है। आज आपको मरना ही होगा, रूठ मरना ही होगा, मरना ही होगा, मरना ही होगा। रुक जाओ अमृता, रुक जाओ, हमारे रुद्रा को कुछ हो गया, रुद्रा को कुछ हो गया, तो जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे। हमारी कोख पर वार किया तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। रुद्र का आशा को मरना ही होगा दादी, मरना ही होगा दादी, यही भाग्य का लेखा है, भाग्य का लेखा, और इनकी न्याति भी, और इनकी न्याति भी। Thank you.
अपनी परीक्षा में जल्दी नागिन, जल्दी करें।
कुछ भी क्या है दादी साहब, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। आपको हमारी बात की कातिल लगी, ये बात खास की तरह हमेशा हमारे दिल में छुपती रहेगी। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपने जो किया था, हम उसे कभी नहीं। कभी नहीं। शांत हो जाओ अमृता। आप हमारी नागरानी का अपमान कर रहे हैं। ये तो त्रिवेणी है, ये तो नागरानी के हथियार है। जानते हैं नागलोक के नियमों के अनुसार जो नागिन नागरानी की हत्या करती है वही नागरानी के पद की असली हकदार होती है। त्रिवेणी, मैं नागों का पितर देवता तुम्हें श्राप देता हूँ। एक इच्छाधारी नागिन की हत्या करने के अपराध के कारण तुम्हारी सारी पूजा, सारे जाप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और तुम फिर से एक नागिन बन जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, वरना हमारे जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाएगी, हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा। ये नागरानी की हत्या करने से पहले सोचना था, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें नागिन बनना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। अब तुम इच्छाधारी नागिन हो त्रिवेणी, तुम्हें नागलोक जाकर नाग देवता का आशीर्वाद देना होगा। हमारे बेटे की लाश सामने पड़ी है, इनका क्रियाकर्म करने का वक्त तो दीजिए। अपना बदला पूरा, लेकिन आपने हमारी निर्दोष मां, अपराध किया है और इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। यही प्रतीक्षा करो। नागदेव, हमारे बेटे का शरीर कहाँ है? अगर उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। चिंता मत करो त्रिवेणी, नागलोक के विधान पूर्ण होने के पश्चात आपको आपके बेटे का शरीर मिल जाएगा। दादी साहब, हमने रुद्र काका से की जान इसलिए क्योंकि वो अपराधी, लेकिन हमारी माँ, उनकी हत्या आपने क्यों नहीं की? जो हुआ वो भाग्य का लिखा था, फिर ये शिकायत क्यों? क्योंकि हमने फिर से एक बार अपनी माँ खो दी और हमने अपना बेटा खोया है। दादी साहब, आपका बेटा अपराधी था, लेकिन हमारी माँ वो तो बेगुनाह थी। उन्हें एक गुनाहगार बेटी के कर्मों की सजा मिली। आपने जो किया था, हम उसे कभी नहीं। शांत हो जाओ अमृता।
आप हमारी नागरानी का अपमान कर रहे हैं। ये तो त्रिवेणी है, ये तो नागरानी के हथियार है। जानते हैं नागलोक के नियमों के अनुसार जो नागिन नागरानी की हत्या करती है वही नागरानी के पद की असली हकदार होती है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अमृता, अमृता, तुम नागलोक के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। त्रिवेणी ने नागरानी की हत्या की है, इसलिए आज से यही नागरानी है, नागरानी और इस सिंहासन के असली हकदार। लेकिन बस अमृता, बस नियम नियम होते हैं, वैसे भी हमारे पास समय कम है। हमें त्रिवेणी को नागरानी के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए पावन संस्कार भी करते हैं। नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की, नागरानी की। हमारे बेटे का शरीर, भूल जाओ, भूल जाओ। इस समय आप नागरानी हैं और पूजा और समारोह के समाप्त होने से पहले आप कहीं नहीं जा सकती। नागदेव, एक बेटे का मृत शरीर पड़ा हो तो माँ उत्सव कैसे मना सकती है? हमें जाने दीजिए नागदेव, हमारे बेटे का शरीर हमें दे दीजिए, हम उनका अंतिम संस्कार करके जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर आप जो कहेंगे हम करेंगे। इस वक्त एक नागिन के कर्तव्य को कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि एक नागिन के सीने में भी मां का दिल धड़कता है। उस मां के दर्द को समझिए, उसके दुख को जानिए नागदेव। एक मां की फरियाद है। ठीक है, हमें आपकी फरियाद कबूल है, कबूल है। अंबालिका,
अर्जुन के साथ या फिर कोई और?